नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, तो उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। और आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा, हालांकि काफी क्वेश्चन का मैंने पहले भी आंसर दिया आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे तो वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी। तो साथियों, इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए छोटा सा क्लिक होगा लेकिन हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब एक क्लिक एक फैमिली मेंबर बनके, सब्सक्राइबर बोलना भी गलत है, तो एक फैमिली मेंबर बनके आता तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर जो ये एग्जाम कब तक होंगे, जो आपके फॉर्म भर चुके हैं उनके एग्जाम कब तक हो जाएंगे। तो साथियों, अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अभी ये चीजें बोर्ड के हाथ में है, बोर्ड अपना सिस्टम देख के, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम तो और भी जो है वो भी हो रहे हैं लगभग। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये चीजें तो आपने पहले भी बताई है। देखो, पहले बताइए, अब जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उनको मैं ये बता रहा हूं, और आप मान के चले एग्जाम अगर देखा जाए तो लगभग मेरा जो मानना है बीच में कभी भी अब ये हो सकता है, क्योंकि अब ये चीजें बोर्ड के हाथ में है। पहले हमें जो अपडेट मिली थी वो हमने आपको बताई थी, तो अब ये जो चीजें हैं बोर्ड के हाथ में है, बोर्ड कभी भी आपका एग्जाम करा सकता है। इसके बाद तो वैकेंसीज के बारे में भी क्वेश्चन है, और इसके बाद तो स्पेशल वाली और टीजीटी वाली, पीआरटी वाली, और भी जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर आप भी क्वेश्चन करना चाहते हो, मैंने आपको बताया नहीं, अगर आप भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन करिए, आपके नाम के साथ हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कमेंट मैसेजेस ऑफ है, तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और वीडियो भी बना सकते हैं आपके नाम के साथ अगर क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा और भी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि सर ये स्पेशल का क्या चल रहा है। तो स्पेशल का जो लास्ट टाइम भी हमने बताया था, और हमारे जो कुछ साथी हैं तो वो भी बार बार DSSS भी विजिट कर रहे हैं, तो बस ये कि रिक्विजिशन जल्दी से जल्दी पहुंचानी चाहिए और उसके बाद लगभग काम रेडी है। देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चीजें एक्चुअल में हो रही हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि आप वैकेंसीज निकालिए, रिक्विजिशन भेजी जाए, तो रिक्विजिशन अब भेजी जानी है, और मैं एक दो दिन में और भी अपडेट लेने की कोशिश करूंगा कि रिक्विजिशन भेजी गई है या नहीं। हालांकि जो ये चीजें हैं, मतलब इनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगर मैं अपना व्यू बताऊं, अगर चीजें सही रहती हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगना, तो स्पेशल की वैकेंसीज भी बड़े आराम से आ जाएंगी। इसके बाद बात आती है TGT वाली, तो TGT का भी आपको पता है जो रिक्विजिशन है वो भेजी जा चुकी है, और 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और इसमें हर सब्जेक्ट की लगभग वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी लगभग काम आपका हो जाएगा जल्दी ही, अगर चीज़ें सही रहीं। और फिर भी मैं आपको एक बात बोलूँगा, मेरे बोलने से, आपके बोलने से, क्योंकि मेरे पास बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि सर फिर भी अपना एक आइडिया बताइए, तो हम अपना आइडिया देते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें फाइनल रहती हैं वो बोर्ड के हाथ में रहती हैं, बोर्ड कब क्या करता है, हम तो फिर भी एक एक्सपेक्टेड वो बताते हैं। ठीक है, टेंटेटिव जो चीज़ें होती हैं वो हम बताते हैं आपको। इसके बाद और बच्चों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, सर PRT की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि PRT भी बहुत बड़ा एक मैटर है। तो PRT की अगर हम बात करें तो PRT का मुझे जो लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन KVS में ज़्यादा उम्मीदें, KVS में PRT, TGT, PGT सभी की उम्मीदें हैं। लेकिन अगर DSSS में बात करें तो हालांकि कुछ ये भी सुनने में आया था कि जो TGT की वैकेंसीज हैं उनके साथ भी कुछ वैकेंसीज आ जाएंगी, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अगर TGT की उसके साथ आती है, सॉरी PRT की TGT के साथ आती है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, चाहे थोड़ी आ जाए, लेकिन जो बड़ी संख्या में भर्ती आएंगी तो वो मेरे हिसाब से 2021 में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस KVS की तो आ ही जाएंगे लगभग, PRT की। इसके बाद अगर हम बात करें NTT वाली या आपके और भी जो हैं स्पेशल वाली, सॉरी म्यूजिक वाली, जो
और लाइब्रेरियन वाली, तो इनमें भी बहुत जल्दी चीजें होने वाली है। और एनटीटी का तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनटीटी में तो आने वाले एक दो साल में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से जो एनटीटी जिन्होंने कर रखी है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ये लगाइए कि एकदम से 3 साल की पढ़ाई बढ़ा देना, पहले फर्स्ट से क्लासेस स्टार्ट होती थी, अब आपकी LKG UKG नर्सरी वगैरह की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, प्री प्राइमरी क्लासेस तो एकदम टीचर तो अवेलेबल कराने होंगे, तो इस हिसाब से एजुकेशन में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो इन इस लेवल पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो मैं अपना एक आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो फाइनल चीज़ें होती हैं वो बोर्ड के पास हैं, हम लोग आप लोग कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत उम्मीद करते हैं और मेरी ही बात को बिल्कुल सही मानते हैं कि हाँ सर ये है, सर ने बोला है तो बिल्कुल सही बोला होगा। लेकिन यार ऐसा हर जगह या हर बार नहीं होता, कई बार कुछ चीज़ें बोर्ड अपने लेवल से कर देता। अब आपको बताएं सारी चीज़ें रेडी होने के बाद भी बोर्ड अपने माइंड में उनके में क्या चल रहा है, हो सकता है क्या कमी रही होगी, तो अपने लेवल से भी करते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, DSSB के किसी भी एग्जाम के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। स्पेशली आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स अवेलेबल होंगे, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे जाके, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर लीजिए, और अगर हमें लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।